अगर कोई कहीं से जैसे बोलता है ईस्ट नॉर्थ कहीं जा रहा है कोई भी, तो उसको स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन माना जाता है। वो अभी लड़की यहाँ पे खड़ी है और 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गई, ठीक है, ध्यान से देखना, 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गई पहले। तो सपोज मान लो यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज 4 किलोमीटर है, तो इधर को गई, इधर को गई, ठीक है, ऐसे, ओके, अच्छा यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ पे 4 किलोमीटर जाने के बाद ये पॉइंट ओरिजिन है मान लो, और वो यहाँ पी पे पहुंच गई, इस पी पॉइंट पे पहुंच गई। उसके बाद सी वॉक 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, पहले इससे बताया था। यहाँ से अब जब वो यहाँ पे पहुंचे, यहाँ सुनना, यहाँ पे जब पहुंची है तो अब ईस्ट ये रहा, वेस्ट ये रहा और नॉर्थ यहाँ, ये नहीं है अब इस साइड के लिए नॉर्थ, अब यहाँ से ऊपर है ये, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो नॉर्थ होगी, ये नॉर्थ है, ठीक है। अब वो यहां से 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री किसके साथ बनेगा, नॉर्थ के साथ बनेगा, और किस साइड बनेगा, यानी बताओ एंगल कहाँ बनेगा, एंगल इस साइड के साथ बनेगा, नॉर्थ वाली साइड के साथ बनेगा, 30 डिग्री एंगल बनेगा इस साइड, ईस्ट इधर पड़ रहा है, पहले से बताया था ना, तो नॉर्थ के साथ एंगल बनेगा ईस्ट वाली साइड, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट वाली साइड 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई कितना दूर तक गई, 3 किलोमीटर। यानी पॉइंट पे पहुंच गए मान लो, और ये 3 किलोमीटर है, कहाँ पहुंच गई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट समझ में आ गया, ये तो पहले एक्सरसाइज से बताया है और ये तो वेस्ट से गई थी तो सीधा ही था। अब डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट, हाँ और रुक गई इस तो नॉर्थ में रुक गई, उसके बाद अब यहाँ का डिस्प्लेसमेंट बताना है फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। इनिशियल पॉइंट का क्या था, ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब यू हैव टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर ट्रायंगल लॉ से आएगा, तो ओ पी गई फिर पी क्यू, और डिस्प्लेसमेंट के लिए ऑरिजिन ये रहा और फाइनल पॉइंट ये रहा, तो यहाँ डायरेक्ट लाइन जोड़ेंगे, ओ क्यू वेक्टर चाहिए होगा पहली बात, और ओ क्यू वेक्टर का फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड तो बात क्या है, पहले वेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ तो लग गया पर अभी नहीं लगे, तो बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ती है इसमें। सबसे पहले ओक्यू के लिए ट्राइंगल लॉ लगाओगे तो आपको चाहिए क्या क्या होगा वो देख लो पहले, ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, ठीक, ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो ओक्यू वेक्टर कैसे निकलेगा, ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, तो पहले ओपी वेक्टर की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान सुन ना, नाउ क्वेश्चन नंबर क्या, थर्ड ओपी वेक्टर, कोई वेक्टर निकालने के लिए उसके कंपोनेंट पता होने चाहिए, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना गया, वाई एक्सिस के अलोंग कितना गया और जे एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग कितना गया, तो ये ना तो अगर ये वाई एक्सिस ऊपर को जाती तो यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग जाती, ठीक है, और यहां से ऐसे जाती जेड के अलोंग जाती, पर वो एक्स की तरफ गई है, वो भी एक्स की किस साइड, नेगेटिव, इधर को जाती तो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता है आई कैप, और क्योंकि वो इधर को गई है तो इस तरफ से यूनिट वेक्टर आपको लेना पड़ेगा, नेगेटिव हो जाए जैसे उल्टी उल्टी साइड में गई, इधर को जाती तो आई, इधर को जाती माइनस आई, और 4 किलोमीटर गई है, स्केलर कंपोनेंट है 4, वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा -4i, डायरेक्शन देनी पड़ेगी वेक्टर कंपोनेंट के लिए, स्केलर कंपोनेंट है 4 किलोमीटर गई और वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा -4i, इसका मतलब ओपी वेक्टर आपका हो गया ओपी में, और वाई जेड चली नहीं हो, एक्स वाली डायरेक्शन में चली है, ओपी वेक्टर हो गया -4i, इस चीज में डाउन ओपी आ गया, ओपी वेक्टर के लिए तो ओपी वेक्टर की जरूरत पड़ेगी और पी क्यू, अब पी क्यू जो ध्यान देना पड़ेगा, पी क्यू के लिए आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो पहले,
ध्यान से ना, मान लो ये है पॉइंट आर, ठीक है। अगर आपको पी क्यू चाहिए तो इस ट्राइंगल से निकलेगा, ये तो बात की बात है, पी क्यू निकलेगा तो इस ट्राइंगल से निकलेगा। पी क्यू इक्वल टू होगा पी आर प्लस आर क्यू, होगा क्या नहीं होगा, समझ रहे, ट्राइंगल लगाए तो। अगर थोड़ी देर के लिए अब पी आर निकालना पड़ेगा, तो पी आर डिस्टेंस हमें पता नहीं है, डिस्टेंस निकाला जा सकता है क्योंकि ये होगा राइट एंगल ट्राइंगल, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके आएगा और एंगल ही हमें पता ही है, कितना ही एंगल, ये 30 है, ये कितना हो गया 60। पहले पी आर की लेंथ निकाल लो और आर क्यू की लेंथ निकाल लो, उसके बाद पी आर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कौन सा है, आर पी बोलूंगा तो माइनस आई है, पी आर बोलूंगा तो आई है, आर क्यू बोलूंगा तो जे है, और क्यू आर बोलूंगा तो डैश वेक्टर, डैश में बदलने से साइन चेंज हो जाता है ना, इधर को आएगा तो आई, इधर को जाएगा तो, इधर को आएगा तो माइनस आई, इधर को आएगा तो आई, ठीक है। चलो तो पहले पी आर की वैल्यू चाहिए, तो इन ट्राइंगल राइट ट्राइंगल पी आर क्यू, क्लियर, तो पी आर डिवाइडेड बाई पी क्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस 60, तो पी आर अपॉन 3 कॉस 60 इज 1/2, तो पी आर की वैल्यू हो गई 3/2, पी आर आ गया। नाउ क्यू आर अपॉन पी क्यू, मतलब क्यू आर अपॉन पी क्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, साइन 60 डिग्री, तो क्यू आर अपॉन 3 साइन 60 रूट 3/2, तो क्यू आर हो जाएगा 3√3/2, यहां से समझ में आ गया। अब हम पी क्यू वेक्टर निकाल सकते हैं। ओक्यू के लिए एक तो ओपी वेक्टर चाहिए था, हमको बहुत इजी से आसानी से आ गया, और पी क्यू के लिए सारा काम हम करना पड़ रहा है, तो पी क्यू अभी निकालेंगे किस ट्राइंगल को यूज करके, पी आर को यूज, ठीक है। इन ट्राइंगल पी आर क्यू अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ अप्लाई करेंगे तो पी क्यू वेक्टर आपका होगा पी आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर, होगा। तो पी आर वेक्टर के लिए ये पहले लेंथ पता होनी चाहिए, लेंथ है 3/2 और डायरेक्शन पता होनी चाहिए आई, आर क्यू की लेंथ पता होनी चाहिए 3√3/2 और डायरेक्शन पता होनी चाहिए जे, पी क्यू वेक्टर पता चल गया। नाउ इन ट्राइंगल अब फाइनल पे पहुंच रहे हैं, इन ट्राइंगल ओपी क्यू अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ, ओक्यू वेक्टर चाहिए, ओक्यू वेक्टर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो पहले वेक्टर निकाल लेते हैं, ओक्यू वेक्टर होगा ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, होगा कि नहीं होगा, तो ओपी ओपी निकाला हुआ माइनस 4i प्लस पी क्यू वेक्टर ये रहा 3/2i प्लस 3√3/2 जे, दोनों आई वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 8+3 माइनस 5/2i और 3√3/2 जे, ये आ रहा देखना, ठीक है। तो ओ क्यू वेक्टर आ चुका है, अब उसने बोला था वो लड़की इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक गई तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो ओ से वो क्यू तक गई फाइनली, ओ क्यू वेक्टर आ चुका है, अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट बाई गर्ल, गर्ल द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ क्यू वेक्टर कैसे आता है, माइनस 5/2 का स्क्वायर यानी 5/4, इसका स्क्वायर बोलो 4, तो ये रूट 52/4, 2 से काटेंगे तो 13, तो रूट 13 यूनिट, ठीक है।
तो गर्ल का डिस्प्लेसमेंट है रूट 13 यूनिट। कैमरा